Hey plant lovers, welcome back to my channel. Today I will show you how I propagated a mini cycas plant from the pup. हम cycas plant को easily pup से grow कर सकते हैं. So you can see many pups are growing from the base of the plant. तो हम इन pups को अलग करके easily इनको propagate कर सकते हैं. I used a simple kitchen knife to cut these pups from the plant. क्योंकि मेरे पास कोई special equipment नहीं था. अगर आपके पास कोई special equipment हो तो आप उसको use कर सकते हो. But अगर knife use कर रहे हो तो इस तरीके से use करो कि अगर आप उसे cut कर रहे हो तो उसका जो root है वो intact रहे. I tried this for the first time. तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे प्रोपेगेट करना है. एंड आई कलेक्टेड 3 पप्स फ्रॉम द प्लांट. और आप ये देख भी सकते हो कि मैंने कितनी बुरी तरीके से उसको प्लांट से अलग किया. यू कैन सी मैनी पप्स आर ग्रोइंग एट द बेस ऑफ द प्लांट. सो यू मे कलेक्ट एज मैनी एज यू कैन एंड प्रोपेगेट न्यू साइकस प्लांट. सो आई कलेक्टेड दीज 3. यू कैन सी this is not bearing any kind of root. तो इससे आपको कोई भी नया प्लांट नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर दैट द पप्स यू आर कलेक्टिंग उस पर रूट्स इंटैक्ट हो. अब ये वाला देखिए, इस पर रूट दिख रही है एक छोटी सी, तो इससे आपको नया प्लांट मिल जाएगा. As I told you that it was my first trial, तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कौन सा पप लगाना है कौन सा नहीं लगाना है. तो मैंने वो पप्स भी लगा दिए जिनमें रूट्स भी नहीं थी और वेट करती रही कि कब इनमें नया प्लांट निकल आएगा. तो ये देखिए, ये धीरे धीरे जो ये जिनमें रूट्स नहीं थी ये वो वाले प्लांट हैं. इनमें धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये सूखने लग गए, पीले पड़ने लग गए. तो प्लीज़ आप मेरी तरह ये गलती मत करिएगा. तो जो रूट वाला पप था मेरे पास वो मैंने अपने घर के बैकयार्ड में लगा दिया था. एंड आफ्टर अबाउट नियरली 25 डेज इट वॉज लाइक दिस. और जब मैंने पहली बार ऐसा उसको देखा तो आई फील सो गुड एंड हैप्पी. इट हैज़ बीन 40 डेज एंड नाउ माई न्यू साइकस प्लांट लुक्स लाइक दिस. होप यू लाइक द वीडियो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट यट. And help me grow. See you in next video. Thanks for watching.